हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और बार नए साल पे, एक नए दिन की शुरुआत करते हुए हमारे यूट्यूब चैनल राइट अनदर में। तो आज फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 8:30, और नहा धो के हम हो चुके हैं तैयार। तो वह सबसे पहले तो आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और उसके बाद हम सीधा लेके चलते हैं मौसम का हाल दिखाने को, किस तरीके से मौसम हो रहा है आज साल के पहले ही दिन, इतना गजब का मौसम देखिएगा। अभी जो है बादल जो है काफ़ी ज़्यादा है आसमान में, ठंड बहुत तेज है, बारिश हो सकती है। देखिए धूप वहाँ से खिल रही है, लेकिन खिल नहीं पा रही क्योंकि बादल जो है काफ़ी खतरनाक तरीके से लगे हुए। तो नए साल के दिन पिछले साल हम गए थे दीवा माँ के मंदिर, और उससे पिछले साल हम गए थे माँ कालिंगा के मंदिर। तो पिछले 4-5 साल से ऐसा लगातार था जब हम नए साल के पहले दिन हम घूमने जाते थे, लेकिन इस बार कोई भी प्लान नहीं बना लड़कों का, और बनना भी नहीं चाहिए आज तो जिस हिसाब से ठंड है। फिलहाल नाश्ता जो है तैयार है मेरा, आइए लेके चलते हैं नाश्ते की ओर आपको। तो ये है नाश्ता, जल्दी से हम इसको कर लेते हैं अभी ख़त्म। कह दिन आया भी घर, तो ये देखे गाइस, सुबह सुबह शॉप पे आते ही चाचा जी का नए साल का जो है उपहार कह सकते हैं हम इसे, मीठे के साथ शुरू हो रही है साल की शुरुआत। ये है चाचा जी, इन्होंने गाजर का हलवा बनाया और हमारे लिए भी स्पेशली ले गया है। अब हम इसका लुप्त लेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से इन हसीन वादियों के बीच, जहाँ आसमान में चारों तरफ बादल घिरे हुए हैं और हल्की सी धूप बादलों को चीरते हुए निकल रही है। तो इतने अच्छे दृश्य के बीच में और इतने अच्छे नज़ारे के बीच में अब हम लेंगे स्वादिष्ट गाजर के हलवे का स्वाद। धीरे धीरे जो है मौसम में बदलाव आता हुआ, और धूप अच्छे तरीके से खिल रही है किसी टाइम पे, और किसी टाइम पे जो है फिर से बादल धूप पे लग जा रहे हैं। तो ठंड का एहसास जो है तब हो रहा है जब धूप पे लग रहे हैं बादल। वैसे काफ़ी अच्छी धूप अभी है, तो हम सेक रहे हैं धूप। देखिए गाइस कितना फर्क आ चुका है, सुबह जो था बादल पूरा भरा हुआ था आसमान बादलों से, अभी काफ़ी ज़्यादा साफ हो चुका है आसमान। गाइस फिलहाल हम हैं घर पे और दिन के बज रहे हैं 1:30, खाना खाने हम पहुँचे घर। ये देखिए मिल गया है हमारा बेटे के पास, था पता नहीं उसको कहाँ मिला। की मस्ती देखो अब, छोड़ दे भाई, लो भाई छोड़ दे यार, चलो हैं इसको खेल गया तो छुट्टी पड़ गई। क्या कपाल में यू आए, चलो मैंने दिन भी हो जाए सही। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ सूरी भाई के घर नींबू की खटाई खाने, शायद माल्टे की भी हो सकती है, लेकिन दूर से उन्होंने जब दिखाया था तो मुझे तो लगा नींबू था, इस वजह से मैंने घर पे खाना कम खाया, क्योंकि सूरी भाई कहीं ये ना कह रहे कि तो खाना खा के आए तो तेरे को कम देंगे, लेकिन नहीं हम तो अपने हिस्से का पूरा खाएँगे। तो फोन ठीक है मैं डॉली, हाँ ठीक है, चल भी लेने लगा फोन से ना ना मैं तो लेके आया था। तो ये देखिए खटाई तैयार, हमारा हिस्सा ये है, और यहाँ पे इनकी फैमिली खा रही है। अब फिर तुम भात भी खाड़ गया। अच्छा मौसम तो नहीं है आज खटाई खाने का, लेकिन क्या करें खाना तो पड़ेगा ही। अब ये है सूरी भाई का घर, एक बार फिर से बादलों ने दी है आसमान में दस्तक। हम ले रहे हो यार यकदावा, मौसम फिर से देखिए बदल चुका है, और भाजी आ, आ, आयुष भाई जो कि बहुत पहले हमारे वीडियो में आपको दिखे होंगे कुलांडेश्वर वाले में, और जो इन्होंने रोड का एक ब्लॉग बनाया था अलग से, उसमें आपको आयुष भाई दिखे होंगे। क्या भाई ये कट नहीं होना अभी, तो
आज हमारे छोटे भाई सूरज नेगी का बर्थडे है, तो उसका बर्थडे भी हम सेलिब्रेट करेंगे थोड़ी देर बाद। उससे पहले हम आपके बीच में वीडियो लेके आ जाएंगे। तो ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं, खाली हमने केक मंगवाया हुआ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, और हैप्पी न्यू ईयर। बहुत ज़्यादा इन्जॉय करें इस साल को। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ये साल जो है काफ़ी खुशियाँ लेके आपके जीवन में, साथ ही साथ हमारे जीवन में भी। बहुत खुशी की बात है, आज यहाँ शाम को जो है यहाँ बदबू वाले आए थे हमारे गांव में, और उनको हमने जो है रोड काटने की अनुमति दे दी है अपने गांव के ऊपर से, जिसमें लगभग मुझे तो लगता है कि पूरे गांव के अक्सर हो चुके हैं प्रस्तावों पे। तो बहुत अच्छी बात है, बदबू वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है, और साथ ही साथ हमारे लिए भी। चलिए फिर